नमस्कार, मैं हूँ दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 23 जून, दिन रविवार। खबरों के बनने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्रदेश में यहाँ लग रहा रोजगार मेला। नीट पेपर लीक मामले में ईओयू ने शिक्षा मंत्रालय को सौंपी अपनी जांच रिपोर्ट। भूमिहीनों के लिए बिहार सरकार का बड़ा ऐलान। सोलर प्लांट लगाने के लिए बैंक किसानों को दे रहे ऋण। इस दिन तक पूरे बिहार को कवर करेगा मॉनसून। बांग्लादेश के साथ मुकाबले में भारतीय टीम की शानदार जीत हुई। अब चले बढ़ते अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इंडियन कोस्ट गार्ड के पदों पर निकली भर्ती। इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा नाविक और यांत्रिक के पदों पर भर्ती निकाली गई है। ये भर्ती कुल 320 पदों के लिए है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट cgpt.edac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 3 जुलाई 2024 है। नाविक की भर्ती के लिए उम्मीदवारों को 12वीं मैथ्स और फिजिक्स के साथ पास होना जरूरी है। वहीं यांत्रिक के लिए 10वीं पास होने के साथ ही इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 22 साल के बीच होनी चाहिए। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। सरकारी स्कूलों में बच्चों के एडमिशन को लेकर शिक्षा विभाग ने जारी किए ये सख्त निर्देश। सरकारी स्कूलों में बच्चों के एडमिशन से लेकर योजना की राशि में फर्जीवाड़ा जैसे कई मामले सामने आते हैं। इन फर्जीवाड़ों को रोकने के लिए बच्चों का स्कूल में एडमिशन के दौरान आधार नंबर और बैंक खाता होना अनिवार्य कर दिया गया है। जिन बच्चों का आधार और बैंक खाता नहीं होगा उन्हें सरकार द्वारा संचालित कई योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल सकेगा। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा विभाग के इस निर्णय से नामांकन में फर्जीवाड़े जैसे मामलों पर भी रोक लग सकेगा। बिहार पैटर्न में आज हम बात करेंगे गुरपा माउंटेन के बारे में। गुरपा माउंटेन नवादा के पास घूमने के लिए एक मुख्य पर्यटन स्थल है। ये एक ऊंची पहाड़ी है। इस पहाड़ी को गुरपा माउंटेन कहा जाता है। इस पहाड़ी के सबसे ऊपरी शिखर पर बुद्ध भगवान की मंदिर देखने को मिलती है। यहाँ पर बौद्ध स्तूप भी देखने को मिलेगा, जहाँ पर बहुत सारे होली फ्लैग्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इस माउंटेन के सबसे ऊपरी सिरे में जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। ये सीढ़ियाँ पहाड़ों से होते हुए बनी हुई हैं, जहाँ पर ट्रैकिंग करने में बहुत ही मजा आता है। यहाँ पर बहुत सारे बौद्ध धर्म के लोग घूमने के लिए आते हैं। ये जगह बरसात के समय हरियाली से घिरी होती है। ये जगह नवादा जिले में गुरपा में स्थित है। यहाँ गुरपा रेलवे स्टेशन है, जहाँ पर आप रेलवे के माध्यम से पहुँच सकते हैं। आप इस जगह पर सड़क के माध्यम से भी आ सकते हैं। प्रदेश में यहां लग रहा रोजगार मेला। प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल बिहार के भभुआ जिले के जगजीवन स्टेडियम मोहनिया में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। ये मेला 24 जून को सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक देखने को मिलेगा। इच्छुक उम्मीदवार इस रोजगार मेले में भाग लेने के लिए एनसीएस पोर्टल www.ncs.gov.in पर जाकर अपना निबंधन करेंगे। ऑनलाइन निबंधन नहीं करने वालों को आयोजन स्थल पर भी निबंधन करने की सुविधा मिलेगी। इस रोजगार मेले से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप जिला नियोजनालय कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। नीट पेपर लीक मामले में ईओयू ने शिक्षा मंत्रालय को सौंपी अपनी जांच रिपोर्ट। बिहार में आर्थिक अपराध इकाई द्वारा नीट पेपर लीक मामले की जांच की जा रही थी। अब ईओयू ने शिक्षा मंत्रालय को इसकी जांच की रिपोर्ट भी सौंप दी है। अब केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा इस रिपोर्ट की समीक्षा की जाएगी। इसके बाद परीक्षा को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। ईओयू के एडीजी नैयर हसनैन खान को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली में बुलाया था। अब नीट परीक्षा मामले में 25 जून को समीक्षा बैठक हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक ईओयू ने शिक्षा मंत्रालय को जो जानकारी दी है उसमें नीट यूजी की परीक्षा 5 मई को थी, लेकिन परीक्षा से एक दिन पहले ही पेपर लीक हो गया था, जिसके बाद ईओयू मामले की जाँच में लग गई और ईओयू ने अपनी रिपोर्ट 21 जून को जांच के आधार पर शिक्षा मंत्रालय को दी है। इस मामले में अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई है। ये कमेटी 2 महीने में जांच करने की रिपोर्ट मंत्रालय को सौंपेगी। जानिए कैसे घर बैठे ही पैन कार्ड में दर्ज गलत नाम को करवा सकते हैं सही। कभी कभार पैन के लिए आवेदन करते समय नाम में लोग गलती कर देते हैं, जिस वजह से पैन कार्ड पर भी गलत नाम दर्ज हो जाता है। ऐसे में इस गलती को आप घर बैठे ही ठीक कर सकते हैं।
इसे ठीक करने के लिए आपको https://onlineservices.nsdl.com पर जाना होगा। यहाँ आने के बाद आप अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म के ऑप्शन में एप्लीकेशन टाइप में करेक्शन और चेंजेस के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, फिर इसकी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद मांगी गई जानकारी भरेंगे, फिर आपको आधार का KYC करने को कहा जाएगा, फिर अपने सही पैन कार्ड को हासिल करने के लिए वो मोड सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद आधार का आखिरी 4 नंबर दर्ज करें, फिर जो नाम आधार पर है उसे ही पैन कार्ड पर दर्ज करें, फिर पेमेंट कर दें। आगे के प्रोसेस को पूरा करने के बाद मोबाइल पर OTP आएगा, जिसे दर्ज करने के बाद सबमिट कर दें। आगे आपका आवेदन सक्सेसफुली सबमिट होते ही 1 महीने के अंदर आपका पैन कार्ड रजिस्टर्ड एड्रेस पर भेज दिया जाएगा। बिहार के लिए केंद्र सरकार से 1,00,000 करोड़ रुपए की हुई मांग। बिहार सरकार की तरफ से केंद्रीय वित्त मंत्री को बजट पूर्व परामर्श बैठक में बिहार की विभिन्न परियोजनाओं और प्रस्तावों को क्रियान्वित करने के लिए ज्ञापन सौंपा गया है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया है कि 2023-24 के दौरान 1,00,000 करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता के आवंटन पर विचार किया गया था। स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, जलापूर्ति, बिजली, सड़क, पुल आदि जैसे विविध क्षेत्रों की परियोजनाओं के लिए राज्यों को पूंजीगत व्यय के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने की भारत सरकार की पहली आगामी बजट में भी जारी रहनी चाहिए। सम्राट चौधरी ने इस दौरान अनुरोध किया है कि पूंजीगत व्यय की राशि को पिछले बजट में दी गई 1,00,000 करोड़ रुपए के बराबर ही रखें। इससे प्रदेश में 9 हवाई अड्डे, 7 सरकारी मेडिकल कॉलेज और थर्मल पावर प्लांट आदि की मांग पूरी की जाएगी। भूमिहीनों के लिए बिहार सरकार का बड़ा ऐलान। बिहार सरकार में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने भूमिहीनों के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही बिहार के सभी जिलों में कैंप लगाकर जितने भी भूमिहीन हैं उन्हें बास गीत पर्चा वितरित किया जाएगा, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 3 करोड़ आवास बनाने की घोषणा की है उसका सीधा लाभ बिहार के गरीब नागरिकों को भी मिले। आगे बिहार सरकार में मंत्री ने कहा कि कोरोना के बाद से ये कार्य सुस्त पड़ा हुआ था, लेकिन अब बिहार के लगभग 29 से 30 लाख भूमिहीन परिवारों को जल्द ही जमीन का पर्चा प्रदान कर दिया जाएगा। मंत्री दिलीप जायसवाल द्वारा बताया गया कि अंचल कार्यालय से काफी शिकायतें आ रही थी, जिसके बाद 3 दर्जन से अधिक अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश है। यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इन 2 रेलवे लोको पायलट को DRM ने किया सम्मानित। सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ट्रेन में कुछ खराबी आने पर उसे ठीक करने के लिए लोको पायलट और सहायक लोको पायलट ने अपने साहस का परिचय दिया है। दरअसल पुल पर खड़े ट्रेन के इंजन से लीकेज हो रहा था, जिसे ठीक करने के लिए ट्रेन के नीचे रेंगते हुए ये इंजन ठीक करने पहुंच गए, ताकि यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान पर सुरक्षित और समय पर पहुंचाया जा सके। इस दौरान किसी ने मोबाइल से वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद समस्तीपुर रेल मंडल के DRM विनय श्रीवास्तव ने दोनों लोको पायलट के साहसिक कदम की सराहना की है। साथ ही लोको पायलट अजय कुमार यादव और सहायक लोको पायलट रंजीत कुमार को 10,000 रुपए का इनाम दिया है। सोशल मीडिया पर भी लोग इनके साहसिक कार्य की खूब सराहना कर रहे हैं और इन्हें रियल हीरो बता रहे हैं। राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी बिहार ने 4,500 पदों पर निकाली भर्ती। सामुदायिक अधिकारी के पदों पर राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी बिहार ने भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इस भर्ती के लिए 1 जुलाई से आवेदन शुरू होगी, जो 21 जुलाई तक चलेगी। इस भर्ती के जरिए कुल 4,500 पद भरे जाएंगे। आवेदन शुरू होने के बाद आप shs.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। इस भर्ती के जरिए अभ्यर्थी को BSc नर्सिंग या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग की डिग्री अनिवार्य होगी। आवेदन का रजिस्ट्रेशन राज्य नर्सिंग काउंसिल में होना जरूरी है। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को जरूर देखें। बिहार सरकार की तरफ से आलोक पत्रिका के लिए रचनाओं का आमंत्रण। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद ने आलोक पत्रिका के लिए रचनाओं का आमंत्रण किया है। लेखकों या रचनाकारों से अनुरोध है कि वे 15 दिनों के अंदर हिंदी या अंग्रेजी किसी भी माध्यम से अपने आलेख, व्यक्तित्व, आलोचना, विरासत आदि में प्रणित अपनी खुद ही की रचना जो कहीं भी प्रकाशित ना हुई हो उसे कंप्यूटर के जरिए टाइपिंग करके या सुस्पष्ट अक्षरों में हाथ से लिखकर राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद कार्यालय में भेजें। आप चाहें तो शिक्षा और शिक्षक पर केंद्रित लघु कथाएं या
कविताएं भी लिखकर भेज सकते हैं या ये उर्दू, बांग्ला, तमिल, तेलुगु, मगही, मैथिली और भोजपुरी समेत सभी भारतीय भाषाओं में स्वीकार्य होगी। इससे संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप www.state.bihar.gov.in/PRDBihar पर विजिट कर सकते हैं। सीएम नीतीश ने आम महोत्सव का किया उद्घाटन। बीते दिन दो दिवसीय आम महोत्सव का सीएम नीतीश ने उद्घाटन किया। आम महोत्सव का ये उद्घाटन ज्ञान भवन में देखने को मिला। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आम उत्पादकों द्वारा लगाई गई विभिन्न प्रजाति के आमों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया और उनकी विशेषताओं के बारे में जानकारी ली। इस दौरान सीएम नीतीश ने विभिन्न कृषि उत्पादक समूहों और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को अनुदान राशि का सांकेतिक चेक भी दिया। सीएम नीतीश के साथ सम्राट चौधरी और कई मंत्रीगण मौजूद दिखे। आपको बता दें कि आज आम महोत्सव का आखिरी दिन है। शिक्षा विभाग ने लापरवाह शिक्षक को किया निलंबित। शिक्षा विभाग के नए अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बेगूसराय के एक माध्यमिक स्कूल बागबाड़ा के शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। दरअसल जब अधिकारी यहां निरीक्षण के लिए पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यहां विज्ञान शिक्षक के रूप में बबिता कुमारी पदस्थापित है और ये जीव विज्ञान पढ़ाती है। वहीं स्मिता कुमारी रसायन शास्त्र पढ़ाती है, वहीं अभिषेक कुमार भौतिक विषय पढ़ाते हैं। लेकिन उन्होंने पाया कि दोनों महिला शिक्षकों का नाम कक्षा संचालन के लिए दिया गया है, लेकिन अभिषेक कुमार को उसमें अलग रखा गया है। प्राचार्य से पूछने पर उन्होंने बताया कि अभिषेक पाठक ने माध्यमिक कक्षाओं को लेने से इनकार कर दिया है। वहीं अभिषेक कुमार ने इस बाबत पूछने पर उन्होंने अभद्र और आपत्तिजनक भाषा का भी प्रयोग किया, जिसके बाद इन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की कार्रवाई की गई। सोलर प्लांट लगाने के लिए बैंक किसानों को दे रहे ऋण। पीएम कुसुम योजना के तहत बिहार में अपनी जमीन पर सोलर प्लांट लगाने के इच्छुक किसानों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल किसानों को सोलर प्लांट लगाने के लिए कई प्रमुख बैंकों ने ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाने की सहमति दे दी है, ताकि सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि की जा सके। ऋण उपलब्ध करवाने वाले बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और इंडियन ओवरसीज बैंक आदि शामिल है। इस संबंध में विद्युत भवन में बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक संजीव हंस के दिशा निर्देश के मुताबिक बैठक हुई, जहाँ ये सभी प्रतिनिधि शामिल हुए थे। मधुबनी जिले में 700 साल पुरानी भगवान विष्णु की मिली प्रतिमा। मधुबनी जिले से कर्नाट कालीन काले पत्थर की भगवान विष्णु की मूर्ति मिली है। ये मूर्ति मधुबनी जिले के अंधरा ठाड़ी प्रखंड के रुद्रपुर थाना क्षेत्र के बरसाम गांव के पनपीवी पोखर से खुदाई के दौरान पाई गई। माना जा रहा है कि ये प्रतिमा करीब 700 साल पुरानी है। जब मुगल आक्रमण कर रहे थे तो उस वक्त राजा ने इन मूर्तियों को तालाब के अंदर छिपा दिया था। हालांकि मूर्ति मिलने के बाद ग्रामीणों की आस्था जाग उठी है और अब इसके प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी कर रहे हैं। विधि व्यवस्था बनी रहे इसलिए फिलहाल यहां पर चौकीदार तैनात किए गए हैं। इस दिन तक पूरे बिहार को कवर करेगा मॉनसून। बिहार में अब मॉनसून का असर कई जगहों पर दिखना शुरू हो गया है। आने वाले कुछ दिनों में इससे लेकर बड़ा बदलाव भी देखने को मिल सकता है। बिहार में मॉनसून के प्रवेश के साथ ही अक्सर ऐसा होता था कि 20 जून तक मॉनसून पूरे बिहार को कवर कर लेता था, लेकिन इस बार मॉनसून के देरी से आने पर 25 जून तक पूरे बिहार में मॉनसून पहुंचने की संभावना है। आज प्रदेश के पूर्वी भागों में एक या दो स्थानों पर मेघ गर्जन या वज्रपात और तेज हवा को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज प्रदेश में अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री तो वहीं न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री रहने की बात कही गई है। ऐसे डाउनलोड करें ये शिक्षा कोर्स ऐप। शिक्षा विभाग ने अपने सोशल मीडिया के आधिकारिक प्लेटफॉर्म एक्स पर ई शिक्षा कोर्स से संबंधित कुछ जानकारी साझा की है। यहाँ ई शिक्षा कोर्स मोबाइल ऐप पर सरकारी विद्यालय के प्रधानाध्यापक और शिक्षकों की हाजिरी दर्ज के संबंध में विस्तृत जानकारी के संबंध में बताया गया है। इसे डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाना होगा। यहाँ ई शिक्षा कोर्स लिखकर सर्च करना होगा। सर्च करते ही आपके सामने ई शिक्षा कोर्स ऐप दिखाई देगा, फिर इसे इंस्टॉल कर ले। इस ऐप को डाउनलोड करते ही आपके स्क्रीन पर ये सामने आ जाएगा। फर्जी नंबर प्लेट गाड़ी में शराब तस्करी का मामला आया सामने। बिहार के कैमूर जिले से शराब तस्करी का एक बड़ा मामला सामने आया है।
दरअसल पुलिस ने कैमूर के दुर्गावती में खुटहा गांव के पास एक लग्जरी कार से 350 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद किए हैं, साथ ही कार को भी जब्त किया है। इस दौरान शराब तस्कर अपनी गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। इस दौरान पूरे 350 लीटर शराब जब्त किए गए हैं। जब्त हुई कार की नंबर प्लेट भी फर्जी बताई गई है। इस मामले में पुलिस आगे की जांच कर रही है। राजद के इस कदावार नेता ने थामा जदयू का हाथ। विधानसभा चुनाव से पहले लालू यादव की पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल पूर्व मंत्री रहे हेमराज सिंह और उनके बेटे धनराज सिंह ने राजद छोड़ जदयू का दामन थाम लिया है। दोनों ने ही शनिवार को जदयू प्रदेश कार्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर जदयू के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हेमराज सिंह के दल में आने से पार्टी का संगठन और अधिक मजबूत होगा। वे सीमांचल के कदावार नेता है। बांग्लादेश के साथ मुकाबले में भारतीय टीम की शानदार जीत हुई। वर्ल्ड कप T20 सुपर 8 के दूसरे मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश की टीम को हरा दिया। भारतीय गेंदबाजों ने लगातार विकेट लेकर बांग्लादेश की कमर तोड़ दी। हार्दिक पांड्या के 50 और विराट कोहली के 37 रनों के दम पर 20 ओवरों में 5 विकेट खोकर 196 रन बनाए। बांग्लादेश की टीम पूरे ओवर खेलने के बाद 8 विकेट खोकर 146 रन ही बना सकी। इस जीत के बाद भारतीय टीम ने सेमीफाइनल के लिए दावेदारी मजबूत कर ली है। बांग्लादेश की टीम के कैप्टन से टीम को काफी उम्मीदें थी, हालांकि इस पे वे खड़े नहीं हो पाए। भारतीय टीम से बुमराह ने इनकी पारी का अंत कर दिया। दीपांकर भट्टाचार्य ने बताया लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के पिछड़ने की वजह। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद एक बार फिर से एनडीए अपनी सरकार बनाने में सफल रही है। इन नतीजों को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन इंडिया का बिहार में प्रदर्शन ठीक नहीं रहा, क्योंकि उसने कुछ गलतियां की जिसमें टिकट बंटवारा भी शामिल है। उन्होंने कहा कि चुनाव में अपेक्षित परिणाम नहीं मिलने के पीछे नीतीश कुमार फैक्टर भी एक वजह रहा है। नीट पेपर लीक मामले में तेजस्वी ने खुलासा करने का किया दावा। नीट पेपर लीक मामले में लगातार तेजस्वी यादव और उनके पीए पर आरोप लगाए जा रहे थे। इन आरोपों के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि अगर सरकार इस मामले की जांच नहीं कराती है तो राजद इसका खुलासा करेगी और मास्टरमाइंड संजीव मुखिया के नेताओं के साथ वाली तस्वीर जारी करेगी। आगे नीट पेपर लीक मामले में तेजस्वी ने कहा कि देश में जहां भी बीजेपी और उसके सहयोगियों की सरकार है वहां लगातार पेपर लीक हो रहा है। आरजेडी के सत्ता से बाहर जाने के बाद भी तीसरे चरण की जो शिक्षक बहाली होनी थी उसको रद्द कर दिया गया क्योंकि पेपर लीक हो गया था और पेपर लीक करने वाला अभी भी घूम रहा है। किंग पिन वही लोग हैं जो लोग बीपीएससी पेपर लीक में शामिल थे। नीट पेपर लीक मामले में भी उन्हीं लोगों का नाम सामने आ रहा है, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि तेजस्वी यादव विधानसभा चुनाव की तैयारी में भी लग चुके हैं। एक बार फिर से उन्होंने चुनाव से पहले जनता के बीच जाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि सड़क मार्ग के जरिए वे पूरे बिहार की यात्रा करेंगे। इस यात्रा को लेकर 15 अगस्त के बाद उन्होंने कार्यक्रम तय करने की बात कही है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1757 में प्लासी की लड़ाई में ब्रिटिश सेना के प्रभारी रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच शुरू हुई थी। आज के दिन वर्ष 1930 में साइमन कमीशन एक संघीय भारत और लंदन में बर्मा को अलग करने की सिफारिश की थी। आज के दिन महान समाज सुधारक, राजनीतिज्ञ, राष्ट्रीय नेता और जनसंघ पार्टी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का श्रीनगर में निधन हुआ था। आज के दिन वर्ष 1980 में संजय गांधी एक विमान दुर्घटना में मारे गए थे। आज के दिन वर्ष 2014 में गुजरात का रानी की वाव और हिमाचल के ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। एडोबी के सॉफ्टवेयर या उसके सर्विसेज का इस्तेमाल करने वाले हो जाएं सावधान। एडोबी के सॉफ्टवेयर या उसके सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे यूजर्स के लिए इंडियन कंप्यूटर रिसोर्स रिस्पॉन्स सिस्टम ने सख्त चेतावनी जारी की है। दरअसल कंपनी ने सॉफ्टवेयर में सरकारी संस्था ने कई खामियां पाई है जो यूजर्स की सिक्योरिटी को खतरे में डाल सकती है। इसके तहत फोटोशॉप, कोल्ड फ्यूजन और क्रिएटिव क्लाउड जैसे तमाम सॉफ्टवेयर के लिए सुरक्षा एजेंसी ने वार्निंग जारी किए हैं। CRTIN के अनुसार इन सर्विसेज या सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते समय छोटी सी गलती भी यूजर्स को सुरक्षा के घेरे में डाल सकती है। ये हाई रिस्क 29 एडोबी सॉफ्टवेयर के लिए जारी किए गए हैं।
अशोक चौधरी ने बंद पड़े इस योजना को फिर से शुरू करने का किया ऐलान। राज्य में बंद पड़े मुख्यमंत्री सेतु योजना को फिर से शुभारंभ की घोषणा बिहार सरकार में ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी द्वारा की गई है। इस योजना को शुरू करने के लिए विभागीय स्तर पर भी कार्य शुरू किए जा चुके हैं। इस संबंध में अशोक चौधरी ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार बिहार के फंडामेंटल डेवलपमेंट पर गंभीर है। ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों को और बेहतर बनाने को लेकर योजनाबद्ध तरीके से काम को शुरू किया जा रहा है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है तो ये हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में कहां मालाबार नदी महोत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर है केरल। हाल ही में किसने अधिकतम पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए पुरस्कार जीता है? ऑप्शन है असम, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है केरल। इसका सही उत्तर है गुजरात। हाल ही में कहां पर सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में एक आधुनिक त्वचा बैंक खोला गया है? ऑप्शन है कोलकाता, ऑप्शन बी है अमृतसर, ऑप्शन सी है नई दिल्ली, ऑप्शन डी है चेन्नई। इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। बिहार में क्रांतिकारी आंदोलन के लिए 1943 में सियाराम दल की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? ऑप्शन ए सियाराम सिंह, ऑप्शन बी है सियाराम सिन्हा, ऑप्शन सी है श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन डी है नित्यानंद सिंह। इसका सही उत्तर है सियाराम सिंह। स्वतंत्रता से पूर्व बिहार के पहले गवर्नर कौन थे? ऑप्शन है सर हेनरी हिलर, ऑप्शन बी है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ऑप्शन सी है सर जेम्स डेविड सेफ्टन, ऑप्शन डी है जयराम दास दौलतराम। इसका सही उत्तर है सर जेम्स डेविड सेफ्टन। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देने के नाम है उमेश ऋषिदेव, विद्यासागर, नुन्नू गोलू कुमार, संजय कुमार शर्मा, राजकिशोर महतो, महेश राय, राजेश कुमार, राजीव कुमार, छोटू कुमार, राहुल कुमार, अंशु कुमारी, शिवचंद्र मंडल, अतीक खान, अनवर करीम खान, शिव शक्ति, गुनर शर्मा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आम के किन किन प्रजातियों के बारे में आप जानते हैं, उनमें आपका पसंदीदा आम कौन सा है? उन सभी का नाम हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।